आज आपके क्लास फोर के सब्जेक्ट ईवीएस का अपना जो थर्ड चैप्टर चल रहा था, सिक्स चैप्टर चल रहा था, ठीक है, हाउ वी गेट कूल, इसकी पार्ट थ्री थर्ड क्लास है आज, हाउ वी गेट कूल की। देखिए स्टार्ट करते हैं, मैंने किस चीज जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से जो खाना होता है, ठीक है, या फिर जो फूड स्टफ होता है वो हमारे तक पहुंचता है, इसके लिए किसान क्या करता है, उसका जो भी फूड होता है जैसे ग्रेन होते हैं, ठीक है, अनाज, उसको खेत में उगाता है, ठीक है, उगाने के लिए उसको डिफरेंट जो वेरियस प्रोसेस होती है उससे गुजरना होता है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वीडिंग है वगैरह वगैरह, हार्वेस्टिंग है, ये सब अपन ने प्रोसेस पढ़ी थी कटाई तक, ठीक है। अब कटाई करने के बाद में उसके आगे की जो प्रोसेस है वहां से स्टार्ट करते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब ये होता है जो फसल पक के आ जाती है उसको पहले सुखाया जाता है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। नमी खत्म करने के बाद में उसके जो ऊपर के जो छिलके अपन जिसको बोलते हैं हस्क भूसा जो होता है, उसको पहले के टाइम में तो पीट पीट के पीटिंग से या फिर जानवरों को ऊपर से चलाया जाता था, और बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल, उससे उसको हटाया जाता था, ठीक है। मगर आजकल समय और टाइम दोनों बचा, मतलब समय और मेहनत दोनों बचाने के लिए, टाइम और लेबर को बचाने के लिए क्या किया जाता है, मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसको अपन थ्रेसिंग मशीन कहते हैं, उससे किया जाता है इसको, ठीक है। तो आपने क्या रखना है इसमें, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में कटाई के बाद में द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। ग्रेन्स जो होते हैं उनको प्लांट से सेपरेट किया जाता है, मतलब जो भूसा और दूसरा जो पार्ट होता है प्लांट का, उससे ग्रेन अनाज अलग किया जाता है, ठीक है, उसको अपन थ्रेसिंग कहते हैं। डन बाय थ्रेसिंग मशीन, इससे होता है कि थ्रेसिंग मशीन से होता है, ठीक है। थ्रेसिंग हो जाने के बाद में क्या किया जाता है, जो भूसा होता है वो अभी तो उसके साथ में होता है कुछ, ठीक है, जो साथ में जो हस्क वगैरह होता है उसको हटाया जाता है। उसको कैसे हटा सकते हैं अपन, पहले के टाइम में क्या किया जाता है कि जब भूसा साथ में होता था, ठीक है, कोई ऊंचे स्थान पे कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता था फार्मर या फार्मर की फैमिली से, और इधर से जो हवा नेचुरली अगर ब्लो हो रही है वहां उससे, या फिर कुछ बड़ा पंखा कूलर या ऐसा कुछ लगा के उससे हवा चलवाई जाती थी पंखे से फैन से, ठीक है, और वो ब्लोइंग एयर जो होती थी वो जो हल्का भूसा होता था उसको तो अलग कर देता था, और नीचे जो है एक हीप लग जाती थी, एक ढेर लग जाता था अनाज का ग्रेन का, ये प्रोसेस रहती थी। इसके लिए विनोइंग मशीन वगैरह भी आती है, ठीक है, उसकी मदद से किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हस्क, यानी हस्क को रिमूव करने की प्रोसेस है फ्रॉम ग्रेन्स, जो ग्रेन्स होते हैं अनाज उसमें से हस्क निकालने की प्रोसेस होती है, डन विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर, और ये किसकी मदद से की जाती है, ब्लोइंग एयर यानी चलती हुई हवा की मदद से की जाती है। हल्का भूसा अलग हो जाता है, भारी ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, अब आपको क्या ग्रेन मिल सकते हैं। एक यहाँ पे आपके बुक के अंदर लास्ट में फर्टिलाइजेशन का दिया है, वैसे फर्टिलाइजेशन जो होता है ये जिस दौरान हार्वेस्टिंग से पहले किया जाता है, वीडिंग से पहले जिस समय प्लांट्स को इरिगेशन किया जाता है उस समय ये भी किया जाता है। फर्टिलाइजेशन करने से क्या होता है, प्लांट्स होते हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हाई यील्ड होती है, अच्छी पैदावार मिलती है, ठीक है। इसका मतलब होता है फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, ठीक है, ये दोनों तरह के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक और कमर्शियल केमिकल बेस्ड भी होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, जो नेचुरल होता है उसको ऊपर मैन्योर यानी खाद कहते हैं, और आर्टिफिशियल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, उससे क्या होता है मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, फार्मर्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, फार्मर्स जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, कीट पतंग जो होते हैं उनके उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल, ठीक है, और अपनी फसल को हार्मफुल जो चीजें होती है उससे बचाने के लिए, हार्मफुल जो भी इंसेक्ट्स होते हैं पेस्ट होते हैं उससे बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, वैसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, और इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं ताकि फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या करें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएं, ठीक है। ये सब चीजें की जाती है। फार्मर ऑल्सो स्कैरक्रोस, स्कैरक्रोस होते हैं जिसको अपन बिजू का नाम से भी जानते हैं, शायद मतलब एक मटकी लगा दी, दो हाथ बना दिए, दो पैर बना दिए, लकड़ी और भूसे और मट्टी और ऐसे बना के कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिससे ऐसा लगता है कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो है खेत में खड़ा है, ठीक है। तो इससे काफी चीजें वगैरह जो होते हैं जानवर को बेचारे समझते नहीं है, वो डरते हैं और खेत में नहीं आते हैं, इस प्रकार से खेत को चिड़ियों से बचाने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्चर्ड्स के बारे में, ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं, ऑर्चर्ड्स एक कमर्शियल गार्डन होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऐसे प्लांट्स और शॉर्ट पौधों को उगाना होता है जिससे आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह की प्राप्ति हो सके, और उसको आप बाद में क्या कर सकें, बेच सकते हैं, मतलब मार्केट के अंदर उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसको ऑर्चर्ड्स कहते हैं। ये प्लेस वेयर ट्रीज और शॉर्ट्स आर प्लांटेड, जहाँ पे ट्रीज और शॉर्ट्स होते हैं वो प्लांटेड के लिए उगाए जाते हैं एंड मेंटेन फॉर फूड प्रोडक्शन, और उनको मेंटेन किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है फूड प्रोडक्शन की, खाद्य उत्पादन
इसके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, जैसे आपके मैंगो का है, ठीक है, जैसे आपके अपन मैलबेरी का कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का है, काफी सारे होते हैं, ठीक है, और नट पक्ष है जैसे वॉलनट है या आपके आलमंड है, इस प्रकार से जो नट प्रोडक्शन होते हैं, इनके जो चीज होते हैं इनको यहाँ पे उगाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे भी कमर्शियल गार्डन, बड़े जो वाणिज्यिक गार्डन जो होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ घूमने नहीं जा सकते हैं, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जनरली आपके क्या कहते हैं ऑर्चर्ड्स के आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार का होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है, बड़ा मार्केट जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और किसानों के द्वारा उसकी भी जो फसल होती है उसको बल्क में एक साथ गली बैग में पैक की भी जो है खरीदते हैं, ठीक है, बड़ी मात्रा में उसको खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद पश्चात क्या करते हैं, उसको एक बड़े अपना जो गोडाउन होता है, ठीक है, वेयरहाउस जिसको कहते हैं, बड़े गोडाउन के अंदर उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर सुबह अनाज होता है, ड्राई होता है, तो वहां पे रखते हैं, और अगर कोई गीली चीज है जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नमी वाली चीजें, तो उनको किसके अंदर रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह के अंदर रखा जाता है, ताकि वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहे, और फिर उसको वो क्या बेचते हैं, तो बेचते हैं बड़े शॉपकीपर को, बड़े शॉपकीपर रिटेलर को, रिटेलर से आप खरीदते हैं, ठीक है। पूरी प्रोसेस होती है हमारे खाना पहुंचे की, पहले किसान ने उसके बाद बड़े होलसेलर ने उसको खरीदा। अब बिग मार्केट, होलसेल क्या मार्केट क्या होता है, बड़ा मार्केट होता है, फेयर ग्रेन्स इन बल्क पैक इन ग्रेन पैक्स, ठीक है, यहाँ से मतलब ग्रेन सेट, मतलब जो बोरियां होती है उसके अंदर ग्रेन होता है बड़ी बड़ी मात्रा में, 50-100 किलो की बोरियां, 50 किलो की, और फिर ज्यादा बड़ी मात्रा में इसको जो है बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है, ये सब यहाँ पे बिकता है। इसको अपन इंडियन मार्केट के लिहाज से इसका जो टर्म है वो है मंडी, ठीक है, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, मंडी कहते हैं, ठीक है, अनाज मंडी है, अनाज मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, ये सब, ठीक है। अब ये तो होते हैं होलसेल मार्केट, होलसेलर होते हैं, होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर जो है उनका सबसे पहला काम क्या होता है, और स्टोर द बल्क ऑफ ग्रेन्स इन गोडाउन, वो सबसे पहले उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और मतलब वहां पे ध्यान भी रखते हैं मॉइस्चर वगैरह वगैरह से बच के रहे, खराब नहीं हो, ठीक है, नमी धूप वगैरह सबसे, एंड गोडाउन के अंदर एंड फ्रूट से वेजिटेबल से कोल्ड स्टोरेज वगैरह, और फ्रूट वेजिटेबल होगी तो उसको कोल्ड स्टोरेज वगैरह रखेंगे ताकि लंबे समय तक उपयोग में आ सके और नमी की वजह से खराब भी नहीं हो। Then, sale in big shopkeepers, ठीक है, इनको बेची जाती है सारी चीजें, बड़े शॉपकीपर्स होते हैं उनको बेची जाती है, बिग शॉपकीपर्स जो फिर उनको सेल करते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स जिनको अपन रिटेलर्स कहते हैं, रिटेलर्स का मतलब होता है जो छोटे ग्रोसर्स होते हैं, बच्चों जो होते हैं दुकानदार, उनको ये बेचा जाता है, ठीक है। अब रिटेलर्स कौन होता है, रिटेलर जो खुदरा व्यापारी कहलाते हैं, ठीक है, ये छोटे अमाउंट में खरीदते हैं और आपको और भी ग्रोसर्स में बेचते हैं, ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर सेल्स रेंज टू वेजिटेबल्स एक्सेट्रा टू द पीपल, लोगों को बेचते हैं, नहीं हमको, हम खरीदते हैं इनसे, ठीक है, इन गुड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी में, आधा किलो, एक किलो पाव वगैरह जो अपन बोलते हैं, ऐसे क्वांटिटी में इनको बेचा जाता है। इस प्रकार से जो है फूड हमारे तक, हमारे घर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारी क्या थी आपकी फूड जर्नी थी, हाउ वी गेट फूड और फूड जर्नी, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे इसकी जर्नी होती है हम तक पहुंचेगी, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही आपके चैप्टर का जो मेन पोर्शन है खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन